भले ही आप कितनी ही इमरजेंसी में क्यों ना हो, आपको किसी से पैसे मांगने पड़े उधार या आपके खाने के लाले हो जाएं, आप उस फंड में से पैसे निकाल ही नहीं सकते। तो मिला जुला के आपका रिटर्न या तो सिर्फ इंडेक्स के बराबर रहेगा या उससे भी कम होगा। मैं हमेशा म्यूचुअल फंड का एक बहुत बड़ा हिमायती रहा हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टिंग फील्ड में नए नए उतरे हैं। नो डाउट म्यूचुअल फंड में बहुत सारी खासियत है, लेकिन खासियत के साथ साथ कुछ कमियां भी हैं। आज मैं उन कमियों को 5 पॉइंट के रूप में आप लोगों के सामने रखूंगा इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मेरा नाम अमित ढोंडियाल और आप देख रहे हैं आम इन्वेस्टर। तो अब जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं, अगर इन पॉइंट्स का ध्यान आपने नहीं रखा तो म्यूचुअल फंड आपका वेल्थ बिल्डर की जगह वेल्थ डिस्ट्रॉयर बन जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है एनएफओ को लेकर। जिस तरीके से आईपीओ होता है, कोई भी स्टॉक जब लिस्ट होता है तो कंपनी एक आईपीओ लेके आती है, ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड में जब कोई एक नया फंड इंट्रोड्यूस होता है तो आता है एक एनएफओ, न्यू फंड ऑफर, जिसकी हमारे पास ना तो कोई हिस्ट्री होती है ना ही कोई अदर ट्रैक रिकॉर्ड होता है। और इन एनएफओस की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब भी कोई नया एनएफओ मार्केट में आता है तो आपको हर जगह इसी के बारे में खबरें सुनाई देंगी, इसी के बारे में सब जगह आपको प्रमोशन दिखाई देंगे, हर जगह आपको इसका नाम सुनाई देगा, जगह जगह पर आपको इसके एड्स दिखने शुरू हो जाएंगे कि देखो भाई ऐसा कुछ फंड आ रहा है जो मार्केट में बिल्कुल नया है और तूफान मचा देगा, आपके इन्वेस्टमेंट को जमीन से उठाकर चांद तारों की सैर करा देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत चीजें बताई जाएंगी। और ये सब चीजें उस फंड हाउस के टॉप मैनेजमेंट के लोग इतने दावे के साथ बताते हैं कि भाई यही वो म्यूचुअल फंड है जो आपकी वेल्थ क्रिएट कर सकता है, आपकी किस्मत अच्छी है कि ये आपके टाइम पे आया है। देखो सिंपल सी बात है, वो फंड उस फंड हाउस का है तो उसके मैनेजर तो चाहेंगे कि इस नए फंड में ज्यादा से ज्यादा फंड आए, और फिर उसको बेचने के लिए उनको चाहे कुछ बोलना पड़े, कैसा भी कन्विंस करना पड़े, और उनकी जो भी ओपिनियन होती है वो उनकी अपनी पर्सनल होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पर्सनल ओपिनियन आपकी ओपिनियन बन जाए। देखो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको हमेशा उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देख लेना चाहिए, किसी भी नए म्यूचुअल फंड में ऐसी आंख बंद करके नहीं घुसना है। दूसरा ये कि उसमें एग्जिट और एंट्री किस तरीके से होती है ये आपको पता होना चाहिए, वो फंड कैसा परफॉर्म करता है, क्या उसमें रिस्क है, क्या उसमें रिवॉर्ड है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और बात सिर्फ रिस्क और रिवॉर्ड तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, वो फंड कंसिस्टेंटली कैसा परफॉर्म करता है ये चीज भी बहुत मायने रखती है। और इसी के साथ बहुत अलग अलग पॉइंट्स भी आपको देखने पड़ते हैं। कई बार आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी कि भाई लार्ज कैप का ही एक नया एनएफओ आया है, मिड कैप का ही नया एनएफओ आया है, तो जब लार्ज कैप ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, जबकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास मिल जाएगा पुराने वाले का, तो आप नए वाले में क्यों जाओगे? अगर आपको इन्वेस्ट करना ही लार्ज कैप में तो आप पुराने वाले फंड में इन्वेस्ट करो जिसका आपको पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा चल रहा है, क्या है उसमें, कौन मैनेज कर रहा है, कितना टाइम से मैनेज कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड कैसा है, उसमें आपको स्टडी के लिए सारी चीजें मिल जाएंगी, तो आप नए वाले में क्यों जा रहे हो? तो मेरे हिसाब से तो एनएफओ को भी आपको बिल्कुल मना कर देना चाहिए आईपीओ की तरह। दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है लॉक इन पीरियड को लेकर। आप कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो उसका एक लॉक इन पीरियड वाला हिसाब किताब देख लें कि वो ओपन एंडेड फंड हो, क्लोज एंडेड ना हो। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में क्या फर्क होता है? ओपन एंडेड क्या होते हैं कि आप उसमें पैसा डाल रहे हैं, ठीक है, कुछ टाइम तक डाला, आपको जरूरत पड़ गई पैसों की तो आपने उसमें से पैसा निकाल लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि आपको उसमें एग्जिट लोड लगे, एक्सपेंस रेशियो जो लगता है वो तो सब में लगता ही है, लेकिन आप उसमें से पैसा निकाल लेते हो। वहीं क्लोज एंडेड फंड में क्या होता है कि उसकी एक फिक्स ड्यूरेशन होती है कि उस ड्यूरेशन से पहले आप निकाल ही नहीं सकते। भले ही आप कितनी ही इमरजेंसी में क्यों ना हो, आपको किसी से पैसे मांगने पड़े उधार या आपके खाने के लाले हो जाएं, आप उस फंड में से पैसे निकाल ही नहीं सकते। तो कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए एक चीज का ध्यान रखना कि हमेशा ओपन एंडेड फंड का ही चुनाव करना, क्लोज एंडेड फंड से हमेशा दूरी बनाए रखना। इसी के साथ आपको एफएमपी फिक्स मैच्योरिटी प्लान से भी दूरी बनाए रखनी चाहिए। फिक्स मैच्योरिटी प्लान ये होते हैं कि आपने जिस म्यूचुअल फंड को पैसा दिया उसमें कहीं आगे पैसा लगाया होगा, तो जब तक उस चीज की मैच्योरिटी पूरी नहीं हो जाती वो आप रिडीम ही नहीं कर पाओगे। मतलब अगर आप अपना फंड रिडीम करने की कोशिश भी करोगे तो जो फंड हाउस उसने जहां पैसा लगाया होगा वहां वो अपॉर्चुनिटी नहीं है उसे रिडीम करने की, तो आपको इस चीज से भी दूर रहना है। लेकिन यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, ईएलएसएस फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसमें आपका 3 साल का लॉक इन होता है, लेकिन इसमें आपको एटीसी के अंदर डिडक्शन भी मिलता है। अगर आपको कहीं लॉक इन वाले में इन्वेस्ट करना ही है तो इसमें ईएलएसएस में करें, ईएलएसएस का फायदा आपको टैक्स में भी मिलेगा। तीसरी जो काली चीज है ना वो है डाइवर्सिफिकेशन। भाई आधा पैसा आप अपना खुद ही मार देते हो। डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर अगर आपने एक लार्ज कैप भी ले रखा है या फिर एक मिड कैप ले रखा है तो ये फंड अपने आप में इतने डाइवर्सिफाई है कि क्या बताऊं मैं आपको। एक फंड के अंदर आपको पता है आपकी कितनी सारी कंपनीज आ जाती है, और आपने क्या कर रखा है, मार्केट में जो नया म्यूचुअल फंड आता है वो आपके बास्केट में एड हो जाता है, और ऐसे कर करके ना आप पूरी मार्केट को अपने बास्केट में डाल देते हो, और इसका सीधा इंपैक्ट पड़ता है आपकी वेल्थ पर। मतलब जो रिटर्न मार्केट निकाल के देगी हो सकता है कि उससे भी कम रिटर्न आपका वो म्यूचुअल फंड जनरेट करके दे, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड आपका परफॉर्म करेगा अच्छा, दूसरा हो सकता है कम करे, तीसरा उससे भी कम करे, या हो सकता है चौथा आपका एवरेज रहे। तो मिला जुला के आपका रिटर्न या तो सिर्फ इंडेक्स के बराबर रहेगा या उससे भी कम होगा। अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि 2 से 3 इक्विटी फंड, 1 से 2 डेट फंड, कुछ गोल्ड में कर लीजिए, और एक लिक्विड फंड जिसमें आप अपना इमरजेंसी का पैसा भी डाल सकते हैं। तो बस देखा कितना सिंपल है डाइवर्सिफाई करना, और आप इसे कितना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो। आप एक चीज को समझो कि आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो, म्यूचुअल फंड कलेक्टर नहीं बनना है कि हर फंड को कलेक्ट करते हुए चले गए। अगला पॉइंट आता है हमारा एयूएम।
एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो इसको बहुत सिंपल करते हुए मैं आपको समझा देता हूँ कि डेट में और इक्विटी में जितना बड़ा हमारा एयूएम होगा उतना ये अच्छा फंड होगा। फॉर एग्जांपल लार्ज कैप का अगर हम कोई फंड चुन रहे हैं तो उसका एयूएम 500 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच में होना चाहिए। उसी तरीके से मिड कैप का मिनिमम 300 करोड़ और मैक्सिमम 8,000 करोड़ के आसपास होना चाहिए। और अब बात करते हैं पांचवी और सबसे बड़ी मिस्टेक की, जो म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले जो नए नए इन्वेस्टर होते हैं वो ये मिस्टेक सबसे ज्यादा करते हैं। इवन नए इन्वेस्टर क्या, जो म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो लोग भी ये गलती करते रहते हैं और इनका रेशियो भी बहुत ज्यादा है। वो गलती ये है कि पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर उस फंड में निवेश करने की सोचना। कोई भी फंड आप उठा के देख लीजिए, आपका एक साल दो साल पुराना, हो सकता है कि उसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हो, लेकिन अगर आप उसमें आज इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में कोई गारंटी नहीं कि वो फंड आपका परफॉर्म करेगा ही करेगा। और म्यूचुअल फंड हाउसेस की एक चालाकी देखिए कि वो उसी फंड का प्रमोशन करते हैं जिस फंड ने लास्ट ईयर बहुत आउट परफॉर्म किया हो। आप एक चीज ध्यान रखो कि किसी भी फंड की एक साल की अच्छी परफॉर्मेंस उसे टॉप परफॉर्मर बना सकती है और किसी भी फंड की सिर्फ एक साल की बेकार परफॉर्मेंस उसे बॉटम में ला सकती है। तो ये देख के किसी भी फंड का चुनाव करना कि सिर्फ लास्ट ईयर उसने कैसा परफॉर्म किया, ये बेवकूफी भरा कदम होगा। इससे आप एक सही फंड का चुनाव नहीं कर पाओगे इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि आपको कोई भी एक बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला फंड नहीं चाहिए। आपको चाहिए अच्छा परफॉर्म करने वाला फंड, लेकिन कंसिस्टेंटली अच्छा करने वाला फंड। समझ रहे आप मेरी बात? क्योंकि कोई सा भी फंड जिसने पिछले एक साल में बहुत हाई रिटर्न अचीव किए होंगे वो उसी चीज को प्रमोट करके अपने लिए इन्वेस्टर लेके आते हैं। तो इस चीज में कभी मत फंसना और सिर्फ एक साल दो साल तीन साल का परफॉर्मेंस देख के ही निवेश करने की मत सोचना। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, सब कुछ ढंग से पढ़ना, रिसर्च करना, इसके बारे में ज्ञान हासिल कर लेना, उसके बाद ही किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। तो ये थे आज के पांच पॉइंट्स जो कि मुझे आपको बताने थे कि म्यूचुअल फंड में अच्छाई के साथ साथ ये वाली दिक्कतें भी हैं। और ये कोई ऐसी दिक्कतें नहीं है कि जो म्यूचुअल फंड की तरफ से हो, ये आप ही की तरफ से होती है और आप ही अकेले होती है। तो हमेशा एक आम इन्वेस्टर को सजग रहना है, अपने पैसे को खोने से बचाए रहना है। पैसे को ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा ग्रो तब होगा जब वो बचेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर भी कर देना। मेरा नाम है अमित डोंडियाल और मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।